साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जिनके पास वैलिड जीआरएफ है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो कि थर्स्टी जो है वो आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बायोटेक स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर आपके लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए आया हुआ है नोटिफिकेशन, जो कि आप देख सकते हैं, एडमिशन टू थर्स्टी जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम 2023-24 मानसून सेशन। तो यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट अपडेट यही है। बाकी यहाँ पे किस किस एरिया पे रिसर्च होता है वो आपको बताया गया है, इन्फेक्शियस एंड द इम्यूनोलॉजी, मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको पर्टिकुलर इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पर लेकर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आप इस नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको दिखेगा। इस पर्टिकुलर चीज को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 27 मई है, यानी कि अभी आपके पास 15 दिन का टाइम है। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। और एक सेकेंड, मुझे शायद यहाँ पे इसको ओपन करना होगा, एक सेकेंड। तो हम यहाँ पे इसको डिटेल नोटिफिकेशन, इसको मैं डाउनलोड ही कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका 3 मई की नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद ये आपका जेएनयू से इनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें सिंपल सी कहानी है कि आपको किसी भी पीएचडी डिग्री लेने के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट से आपको रजिस्ट्रेशन होना होगा। तो यहाँ पे आपको जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम के तहत आपको जाना होगा। बाकी आपके पास सिंपल सी कहानी है जो हर चीजों के लिए लागू होता है, कि आपके मास्टर्स में 55% मार्क होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक अपना वैलिड जीआरएफ होना चाहिए, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कि अगर आपके पास अपनी फेलोशिप है तो आप सीधा यहाँ पे जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है लेकिन अगर उनके पास अपनी ओन फेलोशिप नहीं है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो ये अपनी इनकी क्राइटेरिया है। बाकी सारी जो सीट, नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि 13 है। रिजर्वेशन जो होगा वो आपको भारत के, मतलब जो भी अंतर्गत आता है उसके अकॉर्डिंग एससी एसटी ओबीसी वगैरह का जो भी है वो आपको देखना होगा। बाकी एकेडमिक प्रोग्राम्स यहाँ पे जेएनयू के तहत होंगे, जो भी उनका क्राइटेरिया होगा वहां पे होगा। इसके बाद अगर आपका फीस वगैरह स्ट्रक्चर दिया है, हॉस्टल्स वगैरह की बातें यहाँ पे बताई गई है, तो एज सिंपल है। बाकी लास्ट डेट जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको 27 मई जो है लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे है, आपको 236 रुपए आपको देने होंगे जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको फीस पेमेंट नहीं करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं, अगर आपके पास अपना वैलिड जीआरएफ है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि जो भी आपका कोई भी एक आपके पास नेशनल लेवल का एग्जाम होना चाहिए, जीआरएफ, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी वगैरह आपके पास जो भी होगा वो यहाँ पे वैलिड होगा। तो ये कहानी हो गई। इसके बाद अगर हम इस पर्टिकुलर लिंक पर जाते हैं, अगर आप वहां पे लॉग इन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अगर आप इसको करते हैं तो ये आपको एक अप्लाई ऑनलाइन दिखाएगा। बाकी यहाँ पे आपके पास भरने से पहले आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और अपनी एक सीवी बना लीजिएगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स है वो वहां पे आपका मेंशन होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, अपना अगर आप पहले से रजिस्टर्ड होंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से पूरा ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना होगा और वेरीफाई और सबमिट करना होगा। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन प्रोसेस है, अच्छी इंस्टीट्यूट है। तो अभी बाकी इन्होंने शायद क्या बोलते हैं कि उसके रिगार्डिंग तो इन्होंने कुछ शायद मेंशन नहीं किया है कि ये किस तरीके से आपका एडमिशन लेंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो जो भी होगा वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, नेम ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वो वेबसाइट पे अपडेट होगी। डेट ऑफ द रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू जो होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो कुल मिला के ओवरऑल स्टोरी यही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले फॉर्म फिल करना है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और कोई बहुत लंबी फीस भी नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी वीडियोज आपको समय से उपलब्ध हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।